गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करने वाले हैं लिक्विड डाइजेस्ट फॉर्म के बारे में। बेसिकली हम इनको कई बार ओरल लिक्विड्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये लिक्विड डाइजेस्ट फॉर्म है। और लिक्विड डाइजेस्ट फॉर्म क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर लिक्विड डाइजेस्ट फॉर्म प्रिपेयर किए जाते हैं, उनके बारे में देखने वाले हैं लिक्विड डाइजेस्ट फॉर्म। इसके अलावा कितने टाइप के लिक्विड डाइजेस्ट फॉर्म हैं, उन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिक्विड डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। लिक्विड डोजेस फॉर्म हम देखते हैं, देखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म जो होते हैं, वो लिक्विड डोजेस फॉर्म दो तरह के होते हैं। हम लिक्विड डोजेस फॉर्म जो यूजुअली पढ़ते हैं, वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज द डिस्पर्शन या बाइफेजिक सिस्टम, अनदर वन इज दैट मोनोफेजिक या ट्रू सॉल्यूशन। समझिएगा बात को, यहाँ पर मैं ब्रीफ में, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बात करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिस्पर्शन सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं इनको बायोफिजिक सिस्टम। डिस्पर्शन सिस्टम या बायोफिजिक सिस्टम क्या होता है, कि इसमें जो ड्रग रहती है, वो इसमें ड्रग नॉट डिजॉल्व, ड्रग डिजॉल्व नहीं होती, नॉट डिजॉल्व। यहाँ पर ड्रग क्या रहती है, डिस्पर्स स्टेट में रहती है। किस स्टेट में रहती है बेटा, डिस्पर्स स्टेट। तो जो डिजॉल्व स्टेट में नहीं होती, यहाँ पर ड्रग किस में होती है, डिस्पर्स स्टेट में। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर डिस्पर्शन नाम से समझ में आ रहा है कि डिस्पर्शन, ड्रग डिजॉल्व नहीं है, डिस्पर्शन है, डिस्पर्स है। दूसरी खास बात यदि हम देखें, तो ये बायोफिजिक सिस्टम होते हैं। बायोफिजिक सिस्टम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें यदि हम देखें तो इसमें दो फेज होती है, ठीक है। तो बायोफिजिक सिस्टम है भी, हम कह रहे हैं इसको, तो बायोफिजिक का मतलब क्या, इट कंटेन टू फेजेस। एक होती है आपकी इंटरनल फेज, ठीक है, और एक होती है आपकी एक्सटर्नल फेज। तो इंटरनल फेज होती है, जो इंटरनल फेज होती है वो लीस्ट क्वांटिटी में होती है, लीस्ट मतलब कम क्वांटिटी में, और जो एक्सटर्नल फेज होती है वो बेटा जी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट रहती है। किसमें, लार्ज क्वांटिटी में। तो लीस्ट और लार्ज, एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता है इंटर। लेकिन खास बात ये रहती है, ध्यान दीजिएगा बेटा जी, एक खास बात ये रहती है कि यहाँ पर ड्रग ड्रग जो है अनडिजॉल्व स्टेट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रग आपके व्हीकल के साथ, ड्रग आपके सॉल्वेंट के साथ कह सकते हैं, या ड्रग आपके डाइल्वेंट के साथ में किसी तरह का इंटरेक्शन कॉज नहीं कर रही है। याद रखना, इंटरेक्शन रखना पड़ेगा यहाँ पर। मान लीजिए ड्रग आपकी है, तो ये आपकी व्हीकल के साथ में, एक्सटर्नल फेज के साथ में म्यूचुअली इंटरेक्ट होना पड़ेगा इसको, तभी जाके इसका बायोफिजिक्स सिस्टम बनना पड़ेगा। और इमल्शन के बारे में बता दो, इमल्शन में दो फेजेस होती हैं, एक एक्सटर्नल फेज और इंटरनल फेज। एक्सटर्नल फेज ऑयल ऑयल वाटर ऑयल या वाटर हो सकती है, इंटरनल फेज या फिर ऑयल या वाटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या तो ऑयल हो सकती है या फिर वाटर हो सकती है। तो जो जिस फेज में, जिस जो इंटरनल फेज रहती है, तो उसमें ड्रग डिजॉल्व स्टेट में होती है। याद रखना, उसमें ड्रग किस में होती है, डिजॉल्व स्टेट में होती है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर देखेंगे डिस्पर्शन सिस्टम या बायोफिजिक सिस्टम जो है, इसको हम हेट्रोजीनस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, हेट्रोजीनस, क्योंकि दो डिफरेंट नेचर के सब्सटेंस से मिलकर बन रहा है, इसलिए इसको हेट्रोजीनस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो डिस्पर्शन सिस्टम है या बायोफिजिक सिस्टम होता है, इसका साइज रेंज से क्वेश्चन आता है। कहां से आता है, साइज रेंज से क्वेश्चन। तो इसका साइज रेंज अगर हम देखें, तो आप इसका साइज रेंज अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले जो कोज डिस्पर्शन है, मतलब इसके दो टाइप है, कोज डिस्पर्शन, जो बायोफिजिक सिस्टम होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, कोज डिस्पर्शन और दूसरा कोलोइडल सिस्टम और कोज डिस्पर्शन। तो यहाँ पर साइज रेंज को यदि हम बात करें, तो कोज डिस्पर्शन की जो साइज रेंज होती है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर होती है। कितने होती है बेटा जी, मोर देन 1000 नैनोमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, कि कोज डिस्पर्शन के साइज रेंज कितनी होती है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। वही कोलोइडल सिस्टम जो होता है, जो कि दूसरा टाइप है किसका, डिस्पर्शन सिस्टम का, इसका पार्टिकल साइज रेंज या इसका इंटरनल फेज साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। कितनी
क्लियर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सिस्टम है आपका, आपका जो सिस्टम है बायोफिजिक्स सिस्टम है, यहाँ पर साइज का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि साइज के बेस पर ही डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज शो होती है। जैसे आपने देखा होगा कोलॉइड में टिंडल इफेक्ट शो होता है, साइज के कारण होता है। डिस्पर्सन सिस्टम, इसमें कोज डिस्पर्शन में देखिए या कोलोइडल सिस्टम में देखिए, दोनों में एक मोशन होती है, ब्राउनियन मोशन, वो साइज के कारण होती है। तो कुल मिला के बात ये होती है कि साइज का बड़ा क्रूशियल रोल रहता है, साइज का बड़ा ही क्रूशियल रोल रहता है किसके लिए, आपके इन सिस्टम्स के लिए, स्पेशली डिस्पर्शन सिस्टम के लिए, स्पेशली बायोफिजिक्स सिस्टम के लिए, स्पेशली कोलोइडल सिस्टम के लिए। क्लियर समझ आ रहा है? ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं कोज डिस्पर्शन। कोज डिस्पर्शन में क्या, पार्टिकल साइज बड़ा, पार्टिकल साइज कितना बड़ा है कि मोर देन 1000 नैनोमीटर, तो इसलिए इसको कोज नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? कोज नाम दे रहे हैं। अब यदि इसको हम देखें, थोड़ा सा और देखें, आगे चल के देखते हैं, यहाँ पर अगर यदि हम देखें कि जो कोज डिस्पर्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो तरह के होते हैं, सस्पेंशन और इमल्शन। सस्पेंशन आपने सुना होगा, सस्पेंशन में ड्रग जो रहती है, ठीक है, ड्रग, ठीक है, यहाँ पर डिस्पर्स रहती है किसमें, एक्सटर्नल फेज में। इमल्शन में यदि बात करें तो इमल्शन में क्या होता है, वाटर एंड ऑयल एक दूसरे के साथ मिक्स रहते हैं, वाटर एंड ऑयल, और जो इंटरनल फेज होती है उस इंटरनल फेज में ड्रग डिसॉल्व रहती है। जो इंटरनल फेज होती है उसमें ड्रग क्या होती है, डिसॉल्व रहती है। याद रखना, सस्पेंशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक चीज और क्लियर कराऊंगा कि सस्पेंशन में ड्रग डिसॉल्व फॉर्म में होती है, लेकिन ड्रग डिसॉल्व फॉर्म में होती है लेकिन उसको डिस्पर्शन सिस्टम क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको कब बताऊंगा, जब आपको सस्पेंशन इमल्शन पढ़ाऊंगा, अभी याद रख लीजिए। तो यहाँ पर सस्पेंशन और इमल्शन में एक ह्यूज डिफरेंस होता है कि सस्पेंशन में जो इंटरनल फेज होती है, कौन सी इंटरनल फेज, वो क्या होती है, सॉलिड होती है। सस्पेंशन में इंटरनल फेज क्या होती है, सॉलिड, जबकि इमल्शन में जो इंटरनल फेज होती है वो लिक्विड होती है। क्या होती है बेटा जी, लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पर। तो यहां पर देखेंगे आप कि जो आपकी ड्रग है, आपकी जो ड्रग है वो हमेशा हमेशा सस्पेंशन में, सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है, अनडिसॉल्व फॉर्म में रहती है, लेकिन लेकिन यहां पर इमल्शन में ड्रग इंटरनल फेज में डिसॉल्व स्टेट में होती है, इंटरनल फेज में डिसॉल्व स्टेट में होती है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं आपको इसको जब इमल्शन पढ़ाऊंगा तब इसको जरूर डिस्कस कराऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं सस्पेंशन के टाइप। वैसे मैं सारी चीजें आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्लियर कराऊंगा, ये मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, एक ब्रीफ ब्रीफ दे रहा हूँ जिसमें आपको एक आइडिया हो जाए कि किसके अंदर क्या आता है, इसके क्या टाइप होते हैं, ये सब हमें जानना जरूरी है। ये ब्रीफ टाइप का दे रहा हूँ मैं आपको, तो ये पूरा चैप्टर नहीं है, चैप्टर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो मैं लिक्विड डोजेस फॉर्म के टाइप्स बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, लिक्विड डोजेस फॉर्म के टाइप्स। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका बायोफिजिक सिस्टम और दूसरा होता है मोनोफिजिक सिस्टम। जो बायोफिजिक सिस्टम होते हैं उनको हम डिस्पर्शन सिस्टम या हेटरोजीनस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जो डिस्पर्शन सिस्टम होते हैं, कौन से डिस्पर्शन सिस्टम या बायोफिजिक सिस्टम होते हैं, वो दो तरह के होते हैं, नंबर वन इज दैट कोज डिस्पर्शन और नंबर टू इज कोलोइडल डिस्पर्शन। फर्क क्या होता है कोज डिस्पर्शन और कोलोइडल डिस्पर्शन में, कोज डिस्पर्शन और कोलोइडल डिस्पर्शन में फर्क होता है साइज का, इंटरनल फेज की साइज का। कोज डिस्पर्शन में इंटरनल फेज का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है, जबकि कोलोइडल सिस्टम में इंटरनल फेज का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर साइज रेंज बहुत महत्वपूर्ण होती है इंटरनल फेज की। क्वेश्चन आता है साइज रेंज से, आप पुराने पेपर उठा के देखिएगा तो साइज रेंज से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब बात करते हैं सस्पेंशन के भी टाइप, सस्पेंशन के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड करते हैं सस्पेंशन को, ऐसे अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन, ओरली ले रहे हैं तो ओरल सस्पेंशन, पेरेंटली ले रहे हैं तो पेरेंटल सस्पेंशन, और यदि टॉपिकली ले रहे हैं तो टॉपिकल सस्पेंशन। उसी तरीके से दूसरा क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के बेस पर। यदि मान लीजिए आपका सॉलिड कम है, मतलब 2 to 10% है, तो उसको डाइल्यूट सस्पेंशन नाम देंगे, और यदि मोर देन 10% है तो उसको कंसंट्रेटेड सस्पेंशन नाम देते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है सस्पेंशन का, जिसमें उसका नेचर और बिहेवियर के बेस पर हम सस्पेंशन को क्लासिफाइड करते हैं कि यदि पार्टिकल आपके, ठीक है, यदि पार्टिकल आपके कैसे हो, कैसे कैसे हो, ग्रुप में प्रेजेंट हो, कैसे हो, ग्रुप्स में प्रेजेंट हो, ग्रुप में, इस तरीके से, ये ग्रुप में,
इंडिविजुअल प्रेजेंस ना होकर ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। और जब पार्टिकल पार्टिकल इंडिविजुअली प्रेजेंट हो विदाउट एनी ग्रुप इंडिविजुअली प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं हम डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मैं इसको इस तरफ कर दूंगा तो दिखने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा बेटा जी, कि जो आपका सस्पेंशन होता है वो दो तरह के होते हैं। जब पार्टिकल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट हो, ग्रुप इस तरीके का फ्लॉक्स बना लेते हैं, पार्टिकल ओपन एग्रीगेटेड लूज लूज ओपन एग्रीगेटेड सिस्टम बना लेते हैं। इस ओपन एग्रीगेटेड लूज सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं? हम नाम देते हैं इसको फ्लॉक्स। और इस टाइप के सस्पेंशन को हम क्या नाम देते हैं? फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। क्लियर है? समझ आ रहा है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे बात करते हैं हम इमल्शन के बारे में। इमल्शन क्या होता है? ऑयल और वाटर को मिलाकर मिक्स करके हम बनाते हैं क्या? इमल्शन। तो इमल्शन कितने टाइप के होते हैं? इमल्शन बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। कन्वेंशनल इमल्शन, जिसको हम मैक्रो इमल्शन बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? मैक्रो इमल्शन। ये नॉर्मल इमल्शन है जो हम पढ़ते हैं। और उसके बाद मल्टीपल इमल्शन, और तीसरा इमल्शन होता है माइक्रो इमल्शन। तो मल्टीपल इमल्शन, कन्वेंशनल मैक्रो इमल्शन और माइक्रो इमल्शन में फर्क क्या रहता है? ग्लोबल साइज का। ग्लोबल साइज में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर याद रखिएगा। जो आपका मल्टीपल इमल्शन होता है, सबसे पहले मैक्रो इमल्शन बना देता हूँ। मैक्रो इमल्शन, जो मैक्रो इमल्शन जो होगा उसका ग्लोबल साइज 0.1 to 10 micron। कितना? 0.1 to 10 micron। वहीं यदि मैं बात करूं किसकी? आपकी मल्टीपल इमल्शन की, तो मल्टीपल इमल्शन का जो साइज है वो कितना होगा? अप टू 100 micron। ये साइज जरूर याद रखिए बेटा, ये साइज आता है क्वेश्चन, अप टू 100 micron। वही अगर बात करें तो माइक्रो इमल्शन, एक तीसरा टाइप का इमल्शन और लिखा है मैंने, माइक्रो इमल्शन। तो माइक्रो इमल्शन का साइज होता है 0.01 to 0.1 micron। यहाँ पर गलत लिख गया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया 0.01 to 0.1 micron। यस, समझ आ रहा है? बताइए, कोई डाउट तो नहीं? बताइए, एनी डाउट? अरे टाइप करने का भी ऑप्शन है, टाइप कर सकते हैं उसमें, टाइप करने का भी ऑप्शन है, टाइप कर सकते हैं उसमें। क्लियर? यस, सभी लोग बताएं, ऐसा तो नहीं क्लास में आके सो गए हो ज्वाइन करके। क्लियर? तो यहां पर हमने देखा कि डिस्पर्शन सिस्टम दो तरह के, कोज डिस्पर्शन और कोलोइडल डिस्पर्शन। तो और ठीक है, दूसरा आपका कोज डिस्पर्शन जो होता है वो दो तरह के होते हैं, सस्पेंशन और इमल्शन। सस्पेंशन भी दो तरह के होते हैं, फ्लॉकुलेटेड डीफ्लॉकुलेटेड। वही इमल्शन तीन तरह के होते हैं, माइक्रो इमल्शन, मल्टीपल इमल्शन और मैक्रो इमल्शन। अब बढ़े चलते हैं दूसरे टाइप के डिस्पर्शन सिस्टम है, जिसमें जिसका नाम है कोलोइडल सिस्टम। कोलोइडल सिस्टम क्या होते हैं? इनका साइज रेंज होता है 1 nanometer से 1000 nanometer के बीच में। कितने में होता है बेटा? 1 nanometer से 1000 nanometer के बीच में। बहुत याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कोलोइड की साइज रेंज पूछ ली जाती है, कितना साइज रेंज होता है 1 nanometer से 1000 nanometer। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है कोलोइड, लेकिन फिर भी आपके बायोफिजिक्स सिस्टम दिए गए हैं, तो बायोफिजिक्स सिस्टम में कोलोइड भी आता है, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। तो कोलोइड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है लायोफिलिक, एक लायोफोबिक और तीसरा एसोसिएशन कोलोइड। लायो का मतलब समझिएगा बेटा जी, लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट। क्लियर? लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट, बिल्कुल ध्यान रखिए दिमाग में, लायो का मतलब सॉल्वेंट और फिलिक मतलब लविंग। तो ऐसे कोलोइड जो कि सॉल्वेंट लविंग हो, लायोफिलिक, और यहाँ पर फोबिक का मतलब होता है हेटिंग। तो ऐसे कोलोइड जो कि सॉल्वेंट हेटिंग हो, उनको लायोफोबिक कहते हैं। अब तीसरा क्या होता है? एसोसिएशन कोलोइड। आपने अगर पढ़ा हो, बी फॉर्म में अगर पढ़ा हो, ध्यान दिया हो, तो यहाँ पर अगर देखेंगे
यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल रहता है एक डेफिनेट कंसंट्रेशन पर जाकर कहां पर एक डेफिनेट कंसंट्रेशन पर जाकर एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बताइएगा, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम माइसेल्स। क्या बोलते हैं? माइसेल्स स्ट्रक्चर। तो माइसेल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है, इसका साइज रेंज कोलॉइड के बराबर रहता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं कोलॉइड। और लेकिन ये मोनोमर के जुड़ने से बन रहा है, इसलिए नाम क्या दिया इसको, एसोसिएशन कोलॉइड। क्या नाम दिया इसको? एसोसिएशन कोलॉइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप के सिस्टम की तरफ, बात करते हैं मोनोफेजिक सिस्टम या ट्रू सॉल्यूशन। मोनोफेजिक सिस्टम आर दो सिस्टम जिसमें, मोनोफेजिक सिस्टम में क्या होता है कि इंटरनल फेज तो होती है, इंटरनल फेज क्या होती है इसमें, सॉलिड होती है, और वो लेकिन क्या होते हैं वो डिसॉल्व स्टेट में होती है, डिसॉल्व स्टेट में होती है, और इसके कारण वो डिसअपीयर रहती है, उसकी अपीयरेंस हमें दिखाई नहीं देती। होती दोनों फेजेस हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पर इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज था ना, यहाँ पर इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज थी, यहाँ पर भी क्या होती है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पर होते दोनों है लेकिन सॉल्वेंट की प्रेजेंस ही हमें दिखाई देती है, सॉल्यूट की प्रेजेंस दिखाई नहीं देती, क्योंकि सॉल्यूट क्या होता है, डिसॉल्व स्टेट में होता है। क्या होता है बेटा जी? सॉल्यूट डिसॉल्व स्टेट में होता है, इसलिए इसलिए इन सिस्टम्स को हम मोनोफेजिक सिस्टम या ट्रू सॉल्यूशन या इसको कभी कभार मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये आपस में कॉमन नाम है, कौन? मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, मोनोफेजिक एट्रो सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको होमोजीनस सिस्टम भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? होमोजीनस सिस्टम। यही कौन नाम, ये हेट्रोजीनस था, इसको होमोजीनस। होमोजीनस क्योंकि इसमें दोनों फेजेस एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से मिक्स है, इसलिए इसको नाम क्या दिया है, होमोजीनस। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, इनका साइज रेंज, यहां पर भी जो सॉल्यूट है जिसको हम सॉल्यूट नाम दे रहे हैं, यहाँ पर इधर इंटरनल फेज नाम दे रहे थे सस्पेंशन में, तो सॉल्यूट की कुछ साइज रेंज होगी। सॉल्यूट की साइज रेंज क्या होती है, समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा बेटा जी। सॉल्यूट की साइज रेंज जो होती है लेस देन 1 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कितनी होती है? लेस देन 1 नैनोमीटर। बिल्कुल बहुत क्लियर है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए हमें कितनी होती है सॉल्यूट की साइज रेंज, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो हमारे पास तीन चीजें आ गई कि ट्रू सॉल्यूशन की साइज रेंज लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलॉइड की साइज रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और तीसरी चीज क्वज डिस्पर्शन की साइज रेंज मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो हमारे पास तीनों चीजें याद रखिएगा, ट्रू सॉल्यूशन का साइज सबसे कम लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलॉइड का, कोलॉइडल सिस्टम का साइज रेंज बीच का 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और क्वज डिस्पर्शन का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर, मतलब सबसे ज्यादा। तो सिक्वेंस क्या बनेगा यदि हम देखें, तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सिस्टम एंड क्वज सिस्टम, ये बनेगा सबसे छोटा साइज ट्रू सॉल्यूशन का, फिर कोलॉइड का, फिर क्वज सिस्टम का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मोनोफेजिक जो सिस्टम होते हैं इनको हम पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक भी है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं और कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। तो उसको पढ़ने से पहले हमें इनकी क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया होता क्या है, किस तरीके से हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, तो जो मोनोफेजिक सिस्टम होते हैं, जो मोनोफेजिक सिस्टम होते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, कि इंटरनली यूज कर रहे हैं हम उनको या फिर हम उनको एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, इंटरनली यूज कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, तो उसके बेस पर हमने इसको क्लासिफाइड किया है कि ऐसे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो कि एक्सटर्नली यूज किए जा रहे हैं, तो उनको हम तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तीन एक्सटर्नली का तीन साइट, तीन एक्सटर्नल साइट, एक साइट हो गई स्किन, एक साइट हो गई माउथ और कैविटी, और तीसरी हो गई आपकी बॉडी कैविटीज। देखिए ये सब एक्सटर्नल साइट है। इंटरनल साइट क्या होती है? ओरल रूट या फिर पेरेंटल रूट, उसको इंटरनल बोलते हैं। ये आपको माउथ को इंटरनल मान लीजिए, माउथ एक तरीके से एक्सटर्नल ही होता है, स्किन एक्सटर्नल होती है, बॉडी कैविटीज एक्सटर्नल होती है। क्लियर? तो यहां पर देखिएगा, तो एक्सटर्नल में आपका सबसे पहले स्किन, स्किन में कौन कौन से मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस हम यूज किए जाते हैं, लोशन, लिनीमेंट, पेंट्स और कोलोडियम। लोशन, लिनीमेंट, पेंट और
कोलोडियन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लोशन, लिनिमेंट, पेंट और कोलोडियन। याद रखिएगा, अब लोशन लिनिमेंट में ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए लिक्विड यूज इन माउथ, माउथ में कौन कौन से यूज किया था? गार्गल्स, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेंट, ये सब हम यूज करते हैं। किसके लिए बेटा जी? ये हम माउथ में यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा तीनों, गार्गल, माउथ वॉशेस एंड थ्रोट पेंट। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, गार्गल, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि हम बात करें कि कुछ डोजेस फॉर्म जो कि बॉडी कैविटी में अप्लाई की जाते हैं, बॉडी कैविटी जैसे वजाइनल, यूरिथ्रल, वजाइनल, रेक्टल, और आपके ईयर, नोज और आई, ठीक है, तो इनके लिए ईयर, नोज और आई के लिए ड्रॉप्स यूज करते हैं। आई ड्रॉप आई के लिए, ईयर ड्रॉप ईयर के लिए, और नेजल ड्रॉप नेजल रूट के लिए। इसके अलावा डोचेस और इनेमास भी आपके एक्सटर्नली यूज्ड लिक्विड प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप की प्रिपरेशन हो गई जो कि एक्सटर्नली यूज करते हैं। ऐसी प्रिपरेशन जो कि स्किन पर यूज करते हैं, लोशन, लिनिमेंट, पेंट एंड कोलोडियन, ये तो हो गए आपके स्किन पर यूज होने वाले। दूसरे आपके माउथ में यूज होने वाले गार्गल, माउथ वॉशेस, थ्रोट पेंट, ठीक है। उसके बाद तीसरे बॉडी कैविटी में ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, तीसरे दूसरा आपका डाउसिस, और तीसरा आपके इनेमाज। तो ये हो गए आपके एक्सटर्नल वाले। कौन से हो गए बेटा जी? एक्सटर्नल वाले। अभी हम बात करते हैं दूसरे, कौन से जो कि इंटरनली यूज कर किए जाते हैं। कैसे यूज किए जाते हैं? इंटरनली यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनली मतलब जो ओरल, जनरली इन ओरल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो ओरली हम इसको लेंगे, ओरल लिक्विड की बात कर रहे हैं तो ओरली। तो कौन सा हो गया बेटा? सबसे पहले सिरप, सिरप आपको पता है क्या है? स्वीट विस्कस प्रिपरेशन, स्वीट विस्कस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, जिसमें सुक्रोज का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, जिसके कारण उसमें उसमें हम प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते, क्योंकि सेल्फ प्रिजर्वेशन का काम करता है सिरप। याद रखिएगा, सिरप आईपीओ, सिरप यूएसपी, मैं बाद में जब जिसमें जब पढ़ाऊंगा आपको तो इनमें डिफरेंस भी बताऊंगा, सिरप को थोड़ा सा बताऊंगा, सिरप और एलेक्सिस को बताऊंगा, कुछ कुछ डोजेस पर हमको बाद में। थ्रोट पेंट बेटा, थ्रोट पेंट आपका जो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है थ्रोट में, तो एक तरीके से प्रिपरेशन रहती है, उसको हम अप्लाई करते हैं ऐसे वहां पर थ्रोट में, तो उसको आपको रिलीफ मिलता है, उसको बोलते हैं थ्रोट पेंट। ऐसा नहीं होता पेंट, पेंट से लेके नहीं करते, पेंट का मतलब होता है थ्रोट पेंट, एक लेयर बना लेता है, इसलिए पेंट नाम देते हैं। अब अंदर अंदर प्रिपरेशन जो कि एक्सटर्नली यूज करते हैं, सीरप, मिक्सचर्स, एलेक्जर, लिंचेस, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन जो इंटरनली यूज करते हैं, इंटरनली यूज करते हैं, तो वहां पर सीरप, मिक्सचर, एलेक्जर, टिंचर होती है। तो बेटा ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको क्लियर है? क्लियर है ये सब कुछ? मिक्सचर, एलेक्जर, लिनिमेंट, इनको बाद में देखेंगे हम लोग। कोई डाउट, एनी डाउट पूछ सकते हैं आप लोग, बेझिझक पूछ सकते हैं आप डाउट अगर है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म चाहे बाइफेजिक हो या मोनोफेजिक हो, तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको यहां पर बताया कि कौन कौन से कंपोनेंट जरूरी होते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा बेटा जी, यहां पर अगर हम देखें, यहां पर हम देखें तो जो कंपोनेंट के वाइज बात करें हम, तो यहां पर कंपोनेंट को अगर हम देखें तो जो कंपोनेंट है, तो किसी भी लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए आपको पता है नाम क्या है इसका? लिक्विड डोजेस फॉर्म मतलब इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी? लिक्विड कंसिस्टेंसी होगी। इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है? लिक्विड है, लिक्विड नेचर का है। तो लिक्विड कंसिस्टेंसी जो इसको मिल रही है, लिक्विड कंसिस्टेंसी जो इसको मिल रही है वो कहां से मिल रही है? यहां से, व्हीकल से। व्हीकल सॉल्वेंट डाइल्यूएंट, ये सॉल्वेंट
सिनोनिमिकली यूज की जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अंतर बता दूं, व्हीकल डाइल्वेंट में बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर व्हीकल यूज करें डाइल्वेंट यूज करें, चलिए या सॉल्वेंट यूज करें। हाँ मैं बाद में बताऊंगा बेटा, एलेक्सर ये सारे डोजेस फॉर्म्स जो आपको मैंने अभी बताए थे मैं सभी एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर के लास्ट में, सारे के सारे डोजेस फॉर्म एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर के लास्ट में, लेकिन अभी हम जनरल कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं चैप्टर का, ये लास्ट में आपको एक एक डोजेस फॉर्म को समझाऊंगा, क्लियर। ठीक, तो यहां पर देखेंगे कि एक वर्ड आता है व्हीकल, एक वर्ड आता है सॉल्वेंट, क्या दोनों चीजें अलग अलग होती हैं या दोनों चीजें एक ही होती हैं? देखिएगा बेटा जी, ध्यान दीजिएगा, व्हीकल जो टर्म है, व्हीकल टर्म जो होता है वो एक ब्रॉड टर्म है, व्हीकल जो टर्म होता है वो कैसा है, ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म का मतलब होता है जैसे आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म दो तरह के होते हैं, एक मोनोफेजिक होता है और दूसरा बायोफेजिक होता है। तो मोनोफेजिक में तो क्या होता है, ड्रग डिसॉल्व स्टेट में होती है, तो जब ड्रग के डिसॉल्व स्टेट की बात करते हैं, डिसोल्यूशन की बात करते हैं, तो वहां पर सॉल्यूशन की बात होती है, और सॉल्यूशन की बात होती है तो वहां पर क्या बात होती है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट की, किसकी बात होती है, सॉल्वेंट प्लस सॉलिड की, क्लियर। तो यहां पर बात ठीक है, ये बात यहां तक ठीक है। तो यहां पर अगर मान लीजिए मोनोफिजिक सिस्टम है तो वहां पर आप सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, व्हीकल की बजाय आप टर्म क्या यूज कर सकते हो, सॉल्वेंट यूज कर सकते हो। लेकिन जब बायोफिजिक सिस्टम आता है तो वहां पर ड्रग डिसॉल्व स्टेट में नहीं होती, ड्रग किस में होती है, डिस्पर्स स्टेट में होती है, किस स्टेट में होती है, डिस्पर्स स्टेट में। तो ध्यान दीजिएगा, तो डिस्पर्स स्टेट में होती है तो यहां पर इसको एक्सटर्नल फेज नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एक्सटर्नल फेज प्लस इंटरनल फेज। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फेज नाम दे रहे हैं, यहाँ पर इसको सॉल्वेंट दे रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम कॉमनली एक जो टर्म है व्हीकल यूज कर लेते हैं। तो व्हीकल का मतलब मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म के केस में सॉल्वेंट होता है, और बायोफेजिक के केस में इसका मतलब होता है एक्सटर्नल फेज, इसलिए व्हीकल एक कॉमन टर्म होता है, व्हीकल एक कॉमन टर्म होता है। व्हीकल का मतलब सॉल्वेंट भी होता है, व्हीकल का मतलब लिक्विड भी होता है, व्हीकल का मतलब एक्सटर्नल फेज भी होता है, याद रखिए, और व्हीकल का मतलब डाइल्वेंट भी होता है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन करते हैं, बोला सर व्हीकल टर्म यूज करें तो सॉल्वेंट, तो यदि आपकी मान लीजिए अभी आपका सिस्टम मोनोफेजिक है तो आप सॉल्वेंट बोल सकते हैं, अभी यदि आपका सिस्टम बायोफेजिक है तो आप एक्सटर्नल फेज बोल सकते हैं, लेकिन यदि दोनों समझ ना आ रहे हो कि क्या बोले इसको, तो व्हीकल बोल दीजिए, इसको रामू कहें या श्यामू कहें इससे बढ़िया इसको इंसान कह दें, है तो इंसान, चाहे रामू हो या श्यामू हो, है तो दोनों इंसान ना, समझ में आ रहा है, दोनों इंसान। तो उसी तरीके से चाहे उसे वहां पर सॉल्वेंट बोल लो, चाहे वहां पर उसको एक्सटर्नल फेज बोल दो, है तो दोनों व्हीकल, है तो दोनों डाइल्वेंट ही ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के, तो सबसे पहला आपका नॉन एक्वस और दूसरा आता आपका एक्वस। एक्वस सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, मोर पॉपुलर, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले व्हीकल है, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले सॉल्वेंट होते हैं। समझिएगा बात को, इसमें मैं आपको चीजें बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन व्हीकल होता है आपका एक्वस व्हीकल। क्यों मोस्ट कॉमनली क्यों यूज करते हैं, क्या दूसरा व्हीकल है नहीं है, ये किसी काम के नहीं, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, सुनिए। तो कहानी में आपको बताता हूँ, वाटर, वाटर एक ऐसा व्हीकल होता है, एक्वस व्हीकल का मतलब था वाटर, एक ऐसा व्हीकल होता है जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हमारी बॉडी को अगर हम देखें तो 70% पार्ट किसका बना होता है बेटा जी, वाटर का बना होता है, कितना 70% पार्ट वाटर का बना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस हमारी बॉडी में एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल वाटर की ज्यादा होगी, वाटर हमारी बॉडी ज्यादा एक्सेप्ट करेगी। यदि एक्सेस में भी हो जाएगा, यदि हम एक्सेस में भी अगर ले लेंगे तो हमारी बॉडी ऑस्मोरेगुलेशन के थ्रू, यूरिन के थ्रू या फिर स्वेटिंग के थ्रू उसे बॉडी से बाहर कर देगी, क्लियर। तो एक चीज ये हो गई। दूसरा जो एक्वस व्हीकल होते हैं, वाटर होते हैं, वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, मतलब वाटर जल्दी मिल जाता है। आप देखें नॉर्मल ऑयल और वाटर में कंपेरिजन करें तो वाटर सस्ते ही होगा, तो वाटर की कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, इसलिए यूज कर सकते हैं हम इसको। और खास बात ये थी, वाटर की कॉस्ट कम होने से एक एडवांटेज होता है, आपकी प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो डोजेस फॉर्म बनाए उसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो इसलिए हम वाटर यूज करते हैं। दूसरी खास बात क्या रहती है, ये जो वाटर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट या एज अ व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अमॉन्ग्स दी ऑल अदर जो भी आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उनकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है, 78 से 81 के बीच में होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अच्छा खासा होता है। इसके कारण ये लार्ज वैरायटी जिसके कारण ये लार्ज वैरायटी ऑफ ड्रग्स को आयोनाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिसके कारण बहुत सारी ड्रग इसमें आयोनाइज हो जाती हैं, बहुत सारी ड्रग इसमें डिजोल्व हो जाती हैं। तो अगर मान लीजिए मोनोफेजिक सिस्टम बनाना हो तो इससे बेस्ट मीडिया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। टॉक्सिसिटी नहीं होती, ना ही इम्यूनोजेनिक होता है, ना ही कार्सिनोजेनिक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वाटर में यहाँ पर अगर बात करें, मोनोफेजिक सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर जो ड्रग और दूसरे एक्सिपिएंट हम यूज कर रहे हैं उनके लिए एक प्राइमरी क्राइटेरिया होता है, मस्ट बी डिजॉल्व इन दी एक्वस व्हीकल। तो यहाँ पर एक्वस व्हीकल में सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपका एक्वस बेस्ड मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म बन पाएगा। तो जो ड्रग वाटर सॉल्युबल नहीं है तो उसका एक्वस बेस्ड मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म नहीं बन पाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि ड्रग वाटर के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएट रहती हैं, जैसे कि आपकी जो ड्रग, अगर मान लीजिए समझ रहे हैं बात को, आपकी ड्रग जो कि आपकी ड्रग का मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म बना रहे हैं किसमें, वाटर में, तो क्या होता है कि वाटर के साथ में दो प्रॉब्लम, वाटर में अगर ड्रग प्रेजेंस है तो ड्रग या तो ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और ड्रग हाइड्रोलाइज भी हो सकती है, ऑक्सीडाइज एज वेल एज हाइड्रोलाइज। तो ड्रग के साथ में वाटर के साथ में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है, डिग्रेडेशन प्रॉब्लम होती है, लेकिन अच्छाई ये है कि ज्यादातर हमें इसी को यूज करना है क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी फेवर करती है, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर जो डिस्टिलेशन मेथड से बनते हैं। डिस्टिलेशन मेथड का प्रिंसिपल आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा जो आपका एक्वस व्हीकल है वो दो तरह का होता है, डिस्टिल्ड वाटर और दूसरा प्यूरिफाइड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वो वाटर होता है जो कि कौन सी मेथड से बनता है, डिस्टिलेशन मेथड से बनाते हैं। किस मेथड से बनाते हैं हम, डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड का प्रिंसिपल मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न की तैयारी तो नहीं कर रहे। जितना नॉलेज हमें कोई वर्ड आता है तो हमें उसके दिमाग में चलना चाहिए डिस्टिलेशन मेथड क्या होती है। डिस्टिलेशन मेथड का प्रिंसिपल ये होता है कि इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और वाटर जो हमारा एक्वस है वो वोलेटाइल है। तो जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो इम्प्योरिटी पीछे छूट जाती है और वाटर वेपराइज हो जाता है, उसको हम कंडेंस करके निकाल देते हैं। ये डिस्टिलेशन मेथड का बेसिक प्रिंसिपल होता है। प्योर वाटर इससे हम ऑप्टेन करते हैं, लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि इसमें इम्प्योरिटी नॉन वोलेटाइल होनी चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता कि डिस्टिलेशन मेथड परफेक्ट होती है, कई बार इम्प्योरिटीज भी वोलेटाइल होती है, इसलिए हम डिस्टिलेशन मेथड की बजाय दूसरी मेथड को भी यूज कर सकते हैं वाटर को प्रिपरेशन करने के लिए, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने सुना होगा नाम किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस का, जो हमारे घर में पीने का पानी हम यूज करते हैं, आरओ, ठीक है। इसके अलावा आयन एक्सचेंज रेजिन, कौन सी मेथड और यूज कर सकते हैं हम, आयन एक्सचेंज रेजिन। तो बहुत सारी मेथड्स हैं जिससे थ्रू हम वाटर बना सकते हैं, प्यूरिफाइड वाटर। प्यूरिफाइड वाटर जो होता है आपका, यहाँ पर ओरल लिक्विड्स के बारे में बात करें, प्यूरिफाइड वाटर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्लियर। अगर ओरल लिक्विड्स के बारे में बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाटर है, लेकिन पेरेंटल प्रिपरेशन के बारे में यदि बात करें तो वहां पर जनरल यूज्ड वाटर है, मतलब इसको प्रिपरेशन बनाने के लिए यूज नहीं करते। किसमें, पेरेंटल में, पेरेंटल डोजेस फॉर्म इंजेक्शंस में इसको डोजेस फॉर्म बनाने के लिए यूज नहीं करते, वहां पर क्लीनिंग पर्पस से यूज किया जाता है। तो ओरल लिक्विड में ये चल जाएगा, ओरल लिक्विड में आपका जो प्यूरिफाइड वाटर है हम उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन पेरेंटल में इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के व्हीकल। दूसरे टाइप के व्हीकल के पास क्यों चले हम, नॉन एक्वस व्हीकल के पास क्यों चले, क्योंकि वाटर के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैंने आपको बताया। वाटर के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको बताया था, क्या क्या प्रॉब्लम थी, ड्रग का डिग्रेडेशन हो सकता है, दूसरा आपकी ड्रग की सॉल्युबिलिटी अगर नहीं मिल रही है, तो इसलिए हम दूसरे व्हीकल के पास चलते हैं। तो इनमें सबसे पहले जो व्हीकल आता है वो कौन सा आता है बेटा जी, नॉन एक्वस व्हीकल। नॉन एक्वस व्हीकल में सबसे पहला क्या मतलब, अदर देन वाटर। नॉन एक्वस का मतलब क्या होता है, अदर देन वाटर,
वाटर के अलावा जो व्हीकल आएंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, नॉन एक्वस व्हीकल कहलाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है वाटर मिसिबल, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर मिसिबल। तो समझिएगा बात को, वाटर मिसिबल। वाटर मिसिबल का मतलब क्या होता है, वाटर मिसिबल का मतलब होता है कि ऐसे सॉल्वेंट जो वाटर के साथ में मिक्स हो सकते हैं। क्यों मिक्स हो सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी इनके पास, ये पोलर होते हैं, आपको पता है ये पोलर होते हैं, और आपका वाटर भी क्या होता है, पोलर। तो आपको कंसेप्ट देखा होगा ना, लाइक मिक्स इन लाइक, लाइक डिजोल्व इन लाइक। तो वाटर आपका पोलर है, ये भी आपका पोलर है, एल्कोहल भी क्या होता है, आपका पोलर होता है। मतलब वाटर मिसिबल के जो एग्जाम्पल है वो कौन होते हैं, एल्कोहल्स रहते हैं ना। तो लाइक मिक्स इन लाइक, तो यहां पर क्या देखेंगे कि ये वाटर के साथ में आसानी से मिक्स हो जाता है क्योंकि इसका पोलर नेचर है। और दूसरी खास बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की पावर होती है दोनों के पास, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू भी आपस में ये मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर वाटर मिसिबल जितने भी व्हीकल हैं वो आपको यूज करोगे, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में यूज करोगे, आप प्योरली यूज नहीं कर सकते क्योंकि दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं, याद रखिएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो इसलिए हमें सोच समझ कर इनको यूज करना है, पूरी तरह से यूज नहीं करना। आपको वाटर के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो आपने क्या कर दिया, उठा के वाटर को पूरा रिप्लेस कर दिया, वाटर को पूरा रिप्लेस कर दिया, और क्या कर दिया उसमें, एल्कोहल यूज कर लिया, पीजी मतलब वाटर मिसिबल सॉल्वेंट एल्कोहल या पीजी यूज कर लिया। ऐसा नहीं करना अपन को, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, याद रखिएगा, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, ये इसका यूज करना है लेकिन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादातर इस टाइप के सॉल्वेंट का हम यूज, वाटर मिसिबल जो सॉल्वेंट है इसका जो हम यूज करते हैं एज अ को सॉल्वेंट। अब ये को सॉल्वेंट क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे को सॉल्वेंट, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे दूसरे कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा नॉन एक्वस व्हीकल में होता है वाटर इमिसिबल। वाटर इमिसिबल मतलब ये पूरी तरह से कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। जब आपको ऑयली सॉल्यूशन बनाना हो या इमल्शन बनाना हो या ऑयली सस्पेंशन बनाना हो तो उसके केस में हम इस टाइप के सॉल्वेंट को या इस टाइप के व्हीकल को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम रहती है, अब यूज तो जरूर कर लोगे, ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इसका मतलब क्या है, इसमें डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड होते हैं वो हाईली सेंसिटिव फॉर द ऑक्सीडेशन, याद रखना। तो ये ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, इनके ऑक्सीडेंट को ऑक्सीडेशन को बोलते हैं रैंसिडिटी। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको खुद बचाने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, एक्वस व्हीकल ऑक्सीडेशन कॉज कर रहा था, लेकिन यहाँ तो, यहाँ पर अगर देखिएगा, यहाँ पर तो व्हीकल, जो व्हीकल है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ, डिटेल में भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, मैं ब्रीफ दे रहा हूं, मैं चैप्टर का आपको ब्रीफ दे रहा हूं चैप्टर का, ताकि आपको जब मैं ये चीजें पढ़ाऊं, तब मैं आपको जब ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम से फटाफट क्लियर होती जाएंगे। तो अभी मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। नया लग रहा है या पढ़ा हुआ है, ये पहले से पढ़ा हुआ है या नया है, कुछ नया मिल रहा है पढ़ने को, बड़े आगे। चलिए, तो यहां पर देखिएगा, तो इस टाइप के व्हीकल के साथ में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, अब आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट, ये क्या थे, सभी के सभी लिक्विड थे, ये सभी क्या थे, लिक्विड थे।
अब अभी बात करते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के, इनको हम एडिड सब्सटेंसेस या फिर एडिटिव्स के नाम से जानते हैं, ये एक्सिपिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनको हम एक्सिपिएंट का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? एक्सिपिएंट। ठीक, तो यहां पर देखें डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट, मैंने यहां पर कंबाइंडली कॉमनली दोनों टाइप के डोजेस फॉर्म, दोनों टाइप के डोजेस फॉर्म मतलब मोनोफेजिक बायोफेजिक, दोनों टाइप के डोजेस फॉर्म के कंपोनेंट यहां पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले इस डोजेस फॉर्म के साथ एक प्रॉब्लम होती है, मोनोफेजिक हो या बायोफेजिक हो, मतलब कुल मिला के लिक्विड डोजेस फॉर्म के साथ एक प्रॉब्लम होती है, क्या? स्टेबिलिटी इशू। सबसे बड़ा इशू क्या होता है? स्टेबिलिटी इशू। तो स्टेबिलिटी इशू क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि लिक्विड स्टेट में क्या होती है, ड्रग का हाइड्रोलिसिस हो सकता है, ड्रग का, ठीक है, ड्रग का ऑक्सीडेशन हो सकता है, ठीक है, ड्रग का पीएच, सिस्टम की पीएच होने का चेंज होने का, ड्रग का आयोनाइजेशन हो सकता है जिससे स्टेबिलिटी में फर्क पड़ सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि आपकी ड्रग किसी टाइप के माइक्रोबियल कंटामिनेशन से अफेक्टेड हो सकती है, ड्रग के आपकी पूरी प्रिपरेशन अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि आप लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हो तो लिक्विड डोजेस फॉर्म हाईली सेंसिटिव फॉर द फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन। फिजिकली उसमें बहुत जल्दी चेंज आ सकते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, बायोलॉजिकली बहुत जल्दी चेंजेस आ सकते हैं और केमिकली भी बहुत जल्दी चेंजेस आ सकते हैं इस टाइप के डोजेस फॉर्म्स में, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करने पड़ेंगे बेटा जी इसमें स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर आर दोज सब्सटेंसेस, स्टेबलाइजर्स आर दोज कंपोनेंट्स, दोज एडिटिव्स, दोज एक्सिपिएंट व्हिच इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रिपरेशन। क्या कर देते हैं? प्रिपरेशन की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रिपरेशन की सेल्फ लाइफ को स्टेबलाइजर क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज कर देंगे? माइक्रोब की ग्रोथ को रोककर, प्रिजर्वेटिव, ऑक्सीडेशन को रोककर एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, और पीएच को चेंज होने से रोककर बफरिंग एजेंट। तो यहां पर ये जो है आपके जो तीनों, प्रिजर्वेटिव हो, एंटीऑक्सीडेंट हो या बफरिंग एजेंट हो, ये सब क्या करते हैं? प्रिपरेशन की सेल्फ लाइफ, या कह सकते हैं कि प्रिपरेशन की ड्रग के डिग्रेडेशन, प्रिपरेशन की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, ड्रग के डिग्रेडेशन को कम कर देते हैं। जो प्रिजर्वेटिव होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर, दीज आर ऑफ फोर टाइप्स, इनका मेन काम क्या है? माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकना, याद रखना, ये बैक्टीरियोस्टैटिक या फंगीस्टैटिक हो सकते हैं, बैक्टीरियोसाइडल या फंगीसाइडल हो सकते हैं, मैं आपको इसमें जब प्रिजर्वेटिव पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मर्क्यूरियल्स, मर्क्यूरियल्स मतलब मरकरी कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव, उनको मर्क्यूरियल्स बोलते हैं। दूसरे आपके एसिड्स, एसिड मतलब जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे फिनॉल वगैरह। तीसरा आपका क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है, उसको बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड। इसके लिए आपने सुना होगा बेंजाइल कोनियम क्लोराइड का नाम सुना होगा, किसका? बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एल्कोहल एंड एस्टर्स, या फिर न्यूट्रल टाइप के प्रिजर्वेटिव। एल्कोहल में आपके जो एल्कोहल कैटेगरी रहती है, और एस्टर्स में आपके एस्टर्स आते हैं, एग्जाम्पल हम लोग बाद में देखेंगे इसके। अब आते हैं नेक्स्ट बफरिंग एजेंट। तो बफरिंग एजेंट क्या होते हैं? वह सब्सटेंस होते हैं, वह कंपाउंड होते हैं जो पीएच को, यदि पीएच चेंज हो रहा हो, पीएच चेंज का अपोज करते हैं। पीएच चेंज होने से क्या नुकसान हो जाता है? पीएच चेंज होने से ड्रग की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, पीएच चेंज होने से ड्रग की सॉल्युबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है। इसलिए ये बफरिंग एजेंट रहते हैं, ये कांस्टेंट पीएच या स्टेबल ऑप्टिमम पीएच बनाए रखते हैं। कैसी बनाए रखते हैं बेटा जी? ऑप्टिमम पीएच बनाए रखते हैं। कैसी पीएच? ऑप्टिमम पीएच बनाए रखते हैं। तो जिसके कारण क्या होती है? आपकी ड्रग की प्रॉपर सॉल्युबिलिटी होती है, आपकी ड्रग की प्रॉपर स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आर दोज कंपाउंड विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ द ड्रग, और कई बार इस टाइप के वाटर इमिसिबल सॉल्वेंट अगर हम यूज कर रहे हैं तो उनके ऑक्सीडेशन से भी हमारी ड्रग, हमारे उसके ऑक्सीडेशन को भी रोकेगा, किसका? व्हीकल के। तो ये व्हीकल एज वेल एज ड्रग दोनों के ऑक्सीडेशन को रोक सकता है। तो यहाँ पर चार कैटेगरी होती है इसकी, एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक चैन ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, एक सिनर्जिस्ट होते हैं, और चौथा चीलेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनो विस्कोसिटी मॉडिफाइड और विस्कोसिटी बिल्डर। विस्कोस जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आपकी प्रिपरेशन की विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, विस्कोसिटी मॉडिफायर, विस्कोसिटी बिल्डर या बॉडी बिल्डर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? बॉडी बिल्डर के नाम से। तो मतलब विस्कोसिटी बढ़ देने से क्या फायदा होता है? तो मोनोफेजिक सिस्टम के बारे में यदि हम बात करें, किसके बारे में? मोनोफेजिक सिस्टम के बारे में यदि हम बात करें तो मोनोफेजिक सिस्टम में ये पैलेटेबिलिटी और पोरेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। अब पैलेटेबिलिटी और पोरेबिलिटी क्या होता है? पैलेटेबिलिटी का मतलब होता है कितनी ईज के साथ हम उसको निगल पा रहे हैं, उसको बोलते हैं हम पैलेटेबिलिटी। और पोरेबिलिटी का मतलब होता है कितनी ईज के साथ प्रिपरेशन आपकी कंटेनर से स्पून में ट्रांसफर हो रही है, पोरिंग हो रही है, तो पोरेबिलिटी। तो यहाँ पर इसका जो काम है, विस्कोसिटी मॉडिफायर है, विस्कोसिटी बिल्डर का जो काम है, यहाँ पर पोरेबिलिटी और पैलेटेबिलिटी को एनहांस करना है। जबकि बायोफिजिक्स सिस्टम में यदि हम बात करें, सस्पेंशन इमल्शन के केस में यदि हम बात करें, तो वहां पर ये स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? सेडिमेंटेशन रेट को कम करके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट का रोल यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं होता, केवल एक जगह होता है मोनोफेजिक सिस्टम में, ये माइसेल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सर्फेक्टेंट का सबसे ज्यादा जो रोल आता है वो आता है बायोफिजिक सिस्टम में। बायोफिजिक सिस्टम में तरह तरह से काम कर सकते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट आपका जो होता है इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है जिसके पास पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है। एम्पोटेरिक मॉलिक्यूल होता है। कैसे मॉलिक्यूल होता है? एम्पोटेरिक मॉलिक्यूल मतलब दोनों नेचर होते हैं इसके, लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों नेचर होते हैं इसमें। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी इसको इसको बहुत ज्यादा हमें यूज करने के लिए प्रेरित करती है हमारे बायोफिजिक्स सिस्टम में, क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ती है, वहां पर बहुत जरूरत पड़ती है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल यूज करें जिसमें दोनों टाइप के नेचर हो। तो ये किस किस तरीके से वर्क कर सकता है, ये देखिएगा, ये किस किस तरीके से वर्क कर सकता है। ये वेटिंग एजेंट के जैसे काम कर सकता है जब इसकी एचएलवी वैल्यू, अच्छा एचएलवी वैल्यू क्या होती है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, उसको बोलते हैं एचएलवी वैल्यू। तो ये HLV, इसकी HLV वैल्यू 7 to 9 होती है, तो वेटिंग एजेंट के जैसे काम कर देता है। सोलिबलाइजिंग एजेंट के जैसे काम कर सकता है सॉलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। इमल्शन बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट के जैसे काम कर सकता है। इसके अलावा ये फॉर्मिंग और एंटी फॉर्मिंग एजेंट के जैसे काम करता है, और अगर हम बात करें तो ये डिटर्जेंट के जैसे भी काम करता है, क्लीनिंग के पर्पज में यूज करते हैं। कैसा? डिटर्जेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे इससे बहुत सारे पर्पज, वेटिंग एजेंट, सोलिबलाइजिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, फॉर्मिंग एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट के जैसे काम कर रहा है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट नाम, ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स। ऑर्गेनोलेप्टिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे एडिटिव्स जो कि आपके सेंस ऑर्गन से रिलेटेड हो। किससे हो? सेंस ऑर्गन से। मतलब सेंस ऑर्गन कितने होते हैं हमारे? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, विजन, स्मेल, टेस्ट, टच और हियरिंग। तो हियरिंग और टच का ज्यादा काम नहीं है यहाँ पर। प्रिपरेशन में क्या सुनेंगे, ठीक है, टचिंग में क्या करेंगे, यहाँ पर मेन काम होता है विजन, स्मेल और टेस्ट। तो विजन, स्मेल और टेस्ट को एनहांस करने के लिए जो ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक होता है स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट्स क्या होते हैं? आपको पता, आपकी ड्रग का जो टेस्ट होता है वो बिटर टाइप का होता है, बिटर होती है, या कह सकते हैं अनप्लीजेंट टेस्ट होता है। बिटर के अलावा हम बोल सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा हो सकता है? अनप्लीजेंट भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? अनप्लीजेंट, ध्यान दीजिएगा। तो बिटर या कह सकते हैं कि अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, तो उसको मास्क करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट सबसे ज्यादा पसंद है? हमें स्वीट टेस्ट सबसे ज्यादा पसंद है। कौन सा टेस्ट? स्वीट टेस्ट सबसे ज्यादा पसंद होता है। तो इसलिए बिटर टेस्ट को या अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए हम इसमें स्वीटनिंग एजेंट ऐड कर देते हैं। दो तरीके के स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, एक होते हैं आपके नेचुरल टाइप के जो कि नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, और दूसरा लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, वो सिंथेटिक कहलाते हैं। तो इनके बारे में डिटेल बाद में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके फ्लेवरिंग एजेंट। अब टेस्ट तो आ गया लेकिन स्मेल अनप्लीजेंट है, स्मेल अच्छी नहीं आ रही है, तो उस स्मेल को सप्रेस करने के लिए, उस अनप्लीजेंट स्मेल को सप्रेस करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करने पड़ेंगे। तरह तरह के फ्लेवर आते हैं, वनीला फ्लेवर, लिकोराइस फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, सिट्रस फ्लेवर, फ्रूट फ्लेवर, तरह तरह के फ्लेवर्स आते हैं जो हम यूज करते हैं। तो फ्लेवरिंग एजेंट जो होते हैं उसको हम क्लासिफाइड कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट जिनका टेस्ट स्वीट होता है, स्वीट फ्लेवरिंग एजेंट, ऐसे ये टेस्ट स्वीट जरूर देते हैं लेकिन इनका काम क्या है? फ्लेवर देना, स्मेल देना, सोर, सॉल्टी एंड बिटर। तो ये क्या हो गया? फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट को आप स्वीटनिंग एजेंट के साथ में मिला लीजिएगा। ये टेस्ट होता है इनका ऐसा, लेकिन इसका काम है स्मेल प्रोड्यूस करना।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट क्या होते हैं? वह सब्सटेंस होते हैं जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रिपरेशन को। स्पेशली अगर हम देखें कि मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म जो रहते हैं या फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन रहती है, वो चाइल्ड पेशेंट्स के लिए ज्यादा बनाई जाती है। तो चाइल्ड पेशेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें कलर मिलाए जाते हैं, कलरफुल होती है, चाइल्ड पेशेंट अट्रैक्ट होता है उससे। दूसरा, प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इस तरह की कलर मिलाए जाते हैं। जो कलर और टेस्ट जो फ्लेवरिंग एजेंट है उसमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कलर कुछ और है, फ्लेवरिंग एजेंट कुछ और है। जैसे कि मिंट फ्लेवर है तो ग्रीन कलर, यदि आपका बेरी फ्लेवर है तो रेड रेड कलर, यदि आपका कह सकते हैं कि आपका ऑरेंज फ्लेवर है तो ऑरेंज कलर। तो हमें ये कलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीन तरह के कलरिंग एजेंट होते हैं इसमें, और दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल होता है और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल तीन तरह के, प्लांट, एनिमल और मिनरल। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? यस।